मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कुल 33 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए और साथ ही घोषणा की गई कि नगर विकास विभाग पीएम स्वनिधि पथ विक्रेता पर लोन के लिए 1 रुपये का शुल्क लगेगा और इसके साथ ही रसोईया और सहायिका को 500 अतिरिक्त मानदेय मिलेगा, यानी अब रसोईया को 2000 प्रति माह मानदेय मिलेगा। वहीं कोरोना से जुड़े डॉक्टरों को 1 माह का अतिरिक्त वेतन मिलेगा और इसके अलावा रिम्स में सीटी स्कैन मशीन खरीदने की घटोत्तरी स्वीकृति कर दी गई है और साथ ही 4 किस्तों में बिजली के बिल को जमा करने के फैसले के साथ कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। केंद्र प्रायोजित मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत रसोईया एवं सहायिकाओं को जो मानदेय दे होता है इस योजना के अंतर्गत वो 1000 रुपये है, लेकिन 2015 से राज्य सरकार अपने संसाधन से 500 रुपये प्रति माह अतिरिक्त राशि दे रही है और इसे 500 रुपये प्रति माह और बढ़ाते हुए अतिरिक्त देय राशि अब 1000 रुपये प्रति माह हो जाएगा और इसमें अतिरिक्त जो राशि का वहन हो रहा है 10 महीने के लिए वो 39,79,55,000। जिलांतर्गत राजनगर और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम कुमार हमारे साथ फोनलाइन पे मौजूद हैं। शुभम, कैबिनेट की बैठक में 33 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, वो कौन कौन से प्रस्ताव हैं? बिल्कुल नियाज, देखिए झारखंड में क्योंकि एक लंबे समय के बाद कोरोना काल था झारखंड में और उसके बाद कह सकते हैं सभी कार्य बाधित हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी जब झारखंड की परिस्थितियां हमारे अंडर कंट्रोल में आई तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने फैसला लिया कि एक मंत्रिपरिषद की बैठक की जाए जिसमें कुछ झारखंड वासियों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाए। अगर बात करें तो 33 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है और खुद कैबिनेट सचिव वंदना दादिल ने प्रेस ब्रीफिंग करके तमाम मीडिया कर्मियों को ये जानकारी साझा किया और जिस तरीका से इसमें कह सकते हैं झारखंड वासियों के लिए कह सकते बहुत ही राहत देने वाली बात कही गई है। सबसे पहले तो जिस तरीका से झारखंड में रसोईया और संयोजिका लंबे समय से धरना प्रदर्शन कर रही थी अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकार में 500 रुपये महज बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार उनके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने एक बार फिर से उन्हें कह सकते हैं एक तोहफा स्वरूप प्रदान किया है और उनकी टोटल अभी तक की मानदेय 2000 रुपये प्रति माह हो गई है, तो कहीं ना कहीं एक राहत की बात है। दूसरी बात करें नियाज इसी कड़ी में, तो जिस तरीका से झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स में सीटी स्कैन मशीन लंबे समय से खराब थी, उसको कहीं ना कहीं सुधारने के लिए और नए मशीन खरीदने के लिए इसमें प्रस्ताव पारित किया गया, सभी मंत्री की मंजूरी के बाद इसको पारित किया गया है। तीसरी की बात करें तो जो भी लोग कोरोना वॉरियर के रूप में, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो चाहे वो चिकित्सा जितने भी डॉक्टर हैं झारखंड के, उन सभी को 1 महीने का वेतन भी दिया जाने का इसमें प्रोत्साहन राशि के तौर पर इसमें पारित किया गया है। जी जी बिल्कुल शुभम, जिस तरीके से अगर आपने बात की कि रांची के रिम्स अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं थी, इसको लेकर के कोर्ट ने भी कहा था कि ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि इतने बड़े अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन नहीं है, तो ये अब जाकर के इस प्रस्ताव में शामिल किया गया है, तो ये सीटी स्कैन मशीन कब तक लगेगी? देखिए ये तो अभी तो पारित किया गया है कैबिनेट की बैठक में और कहीं ना कहीं क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला था सीटी स्कैन मशीन का और झारखंड सरकार इसके लिए एकदम लगातार संवेदनशील नजर आ रही थी और पारित तो कर दिया गया है, लेकिन अब सवाल है कि कितनी जल्द से जल्द इसके बैठाने की प्रक्रिया करनी होगी, क्योंकि जिस तरीके से सैकड़ों मरीज प्रतिदिन सीटी स्कैन मशीन के इंतजार में रिम्स में कह सकते दम तोड़ते हुए नजर आते हैं, अब उनको प्राइवेट अस्पताल में अपना इलाज कराना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं सरकार इसके लिए गंभीर है और देखना यह होगा कि आखिर कब तक सरकार रिम्स में सीटी स्कैन की मशीन उपलब्ध करा रही है। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं केंद्र सरकार के नीति आयोग की ओर से राज्यों के विकास को लेकर जारी की गई सूची में बिहार का स्थान सबसे निचले पायदान पर है और इसी लेकर आरजेडी विधायक राकेश कुमार रोशन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और बिहार सरकार पर जनता को विकास के मामले पर ठगने का आरोप लगाया है। आखिरकार नीति आयोग ने बिहार के विकास का पोल खोल करके रख दिया। जो हमारे बिहार के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं प्रतिदिन ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार में
दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है और बिहार की जनता की बुनियादी समस्याओं को समाधान करते हुए हम एक बेहतर बिहार का निर्माण कर रहे हैं, उनके सारे वक्तव्य को नीति आयोग ने झूठा करके ये साबित कर दिया कि बिहार जो है अपने विकास के पैमाने पर नीचे से सबसे अव्वल नंबर पे है। अब नीति आयोग के रिपोर्ट के बाद भी यदि मुख्यमंत्री जी विकास का आईना दिखाते हैं बिहार के लोगों को, तो ये बिहार की जनता को ठगना है, इसके सिवा कुछ नहीं। आखिरकार नीति आयोग ने बिहार के विकास का पोल खोल करके रख दिया। जो हमारे बिहार के अभी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं प्रतिदिन ढिंढोरा पीटते हैं कि बिहार में दिन प्रतिदिन विकास हो रहा है और बिहार की जनता की बुनियादी समस्याओं को समाधान करते हुए। वही अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार के बाद मीडिया से बात करते हुए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आईसीएमआर पर राजनीति करने की आशंका जाहिर की है और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य में वैक्सीनेशन को तेज करने के सवाल पर कहा कि झारखंड मैन्युफैक्चरिंग राज्य नहीं है, जितनी वैक्सीन हमें मिलती है हम उतना लोगों को लगाते हैं। पिछले दिनों आईसीएमआर के गाइडलाइन के अनुसार सारे काम किए गए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि आईसीएमआर वैज्ञानिकों से सलाह लेकर कार्य कर रहा है या राजनीतिक नफा नुकसान देखते हुए। हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य तो मैन्युफैक्चरिंग राज्य तो है नहीं। हमको जितना मिलेगा उतना ही हम देने पाएंगे और हम पूरी तरीके से, जब आपको याद होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि एडवांस प्लानिंग भेजो, हम लोगों ने एडवांस प्लानिंग भी भेजा, जो जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो किया। अभी उन्होंने 28 दिन का गाइडलाइन दिया, कभी उसको अलग ये कर दिया, तो वो भी मुझे लगता है कि एक तरीके से आईसीएमआर भी राजनीतिक रूप से जो है पता नहीं वैज्ञानिकों से दिशा निर्देश लेके काम कर रहा है कि इसका भी कोई राजनीतिक नफा नुकसान को देख के काम किया जा रहा है। देखिए, अब हम लोग तो प्रयास कर ही रहे हैं, लेकिन हमारा राज्य तो मैन्युफैक्चरिंग राज्य तो है नहीं। हमको जितना मिलेगा उतना ही हम देने पाएंगे और हम पूरी तरीके से, जब आपको याद होगा कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कहा था कि एडवांस प्लानिंग भेजो, हम लोगों ने एडवांस प्लानिंग भी भेजा, जो जो आईसीएमआर के गाइडलाइन है उस गाइडलाइन को फॉलो किया। अभी उन्होंने 28 दिन का गाइडलाइन दिया, कभी उसको अलग ये कर दिया, तो वो भी मुझे लगता है कि एक तरीके से आईसीएमआर भी राजनीतिक रूप से जो है पता नहीं वैज्ञानिकों से दिशा निर्देश लेके काम कर रहा है कि इसका भी कोई राजनीतिक नफा नुकसान को देख के काम किया जा। वही अपने संसदीय क्षेत्र के में दौरे पर आए केंद्रीय मंत्री एवं सांसद गिरिराज सिंह ने सर्किट हाउस क्षेत्र सभागार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान जिलाधिकारी अरविंद वर्मा, रिफाइनरी ईडी और सदर अस्पताल के अधीक्षक आनंद शर्मा भी उपस्थित रहे। 50 बेड का कोविड अस्पताल भी बन रहा। कोरोना की लड़ाई में केंद्र राज्य सब मिलके लड़ रहे हैं और बेगूसराय में पेट्रोलियम मंत्रालय धर्मेंद्र प्रधान जी के सहयोग से बिहार का जिला में पहला 50 बेड का कोविड अस्पताल भी बन रहा है, उसके लिए स्वीकृति दी है। 1500 प्रतिदिन सिलेंडर बाला। वही मधेपुरा के उदाकिशुनगंज अनुमंडल मुख्यालय के मंजौरा पंचायत के वार्ड संख्या 9 में सैकड़ों लाभुकों ने एमओ राम कल्याण मंडल को बंधक बनाकर कई घंटों तक बवाल काटा और डीलर पर कार्रवाई की मांग करने लगे। दरअसल पूर्व में भी इस डीलर के खिलाफ राशन बंटवारे को लेकर लाभुकों ने शिकायत की थी, लेकिन मामला टाल मटोल कर छोड़ दिया गया। चवालीस बोरा और 36 बोरा टोटल से हो गया 80 बोरा। डीलर क्या मिली डीलर आपको घर पे? हाँ, डीलर बड़ा है, डीलर यहाँ पे डीलर का पापा मिले हैं। डीलर के अनुपस्थित में बांटा जा रहा था। कुछ अभी जो आप गोदाम चेक किए, क्या गोदाम घर में रखने का ऑथराइज है? घर में तो नहीं है रखने का। सुबह हमारे पास 4 लाभार्थी पहुँचा, जिसमें दिवाकर प्रसाद राम का कहना हुआ कि हमको 4 यूनिट है। चार नहीं देता है डीलर, ये वो सीओ वीडियो सब मिल के खाता है।
हम लोग को नहीं ख्वाहिश सुनवाई ना, और कहता है कि जाइए वीडियो जाइए एमओ साहब कौन अभी 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 क्या हुआ था आपके साथ अभी गए तो क्या हुआ। वही मोतिहारी में जिलाधिकारी की ओर से नगर निगम मोतिहारी के बरियारपुर में राजकीय मध्य विद्यालय में टीका केंद्र सत्र का उद्घाटन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी और नगर निगम के महापौर ने संयुक्त रूप से कोविड टीका एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीका एक्सप्रेस मेडिकल टीम के साथ पूरे नगर के विभिन्न वार्डों में घूम घूम कर लोगों को टीका दी। हमको लड़ना है तो इसका उपाय है कि जो वैक्सीन है उसको लगाना चाहिए, टीके को, ना सिर्फ अपने आप को लगाना है, अपने जो अभिभावक है, अपने जो पेरेंट्स है उनको भी लगाना चाहिए। हमने हमारे माता पिता को लगवाया है, क्या आपको लगवाया है कि नहीं वो भी सोचना चाहिए, क्योंकि हम सुरक्षित होने से नहीं चलेगा, अपने पिताजी सीनियर सिटीजन जो है माता जी उनको भी आपको लगवाना। सभी नगर निगम वासियों से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग वैक्सीन लगाएं, और आज हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आज। वही आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार पर आपने जमकर केंद्र सरकार पर हमला बोला, और साथ ही कोरोना काल में चुनाव ड्यूटी करने वाले मृतक कर्मचारियों के परिवार को दी गई सरकारी नौकरी और 1 करोड़ के मुआवजे को लेकर सरकार पर मौत के आंकड़े छिपाने का भी आरोप लगाया। इस संबंध में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई है। जो शिक्षकों की मृत्यु हुई है, सरकार उत्तर प्रदेश सरकार आंकड़े छुपा रही है। पहले हम लोगों ने बताया था, आंकड़े जारी किए थे कि 1621 लोग उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी के दौरान जो जिला पंचायत के चुनाव में मारे गए, तब सरकार कह रही थी 3 लोग मारे गए। अब जब वही दुमका जिला सरैयाहाट प्रखंड के हंस डीहा पंचायत के पगवारा विद्यालय में कोरोना जांच शिविर लगाया गया, जहां इस शिविर में डीसी राजेश्वरी बी ने टीका लगवाने वाले लोगों से उनका हालचाल जाना और साथ ही अन्य समस्याओं को भी जाना और सभी को कोरोना वायरस से बचाव के लिए टीका लेने को कहा। इस दौरान दुमका डीसी राजेश्वरी बी ने यह जानकारी दी कि जिस प्रखंड में 75% टीका लग जाएंगे उस प्रखंड में रोजगार मेला लगाया जाएगा। तो कई सारे लोग अभी तक टीका नहीं लिए हैं, विशेषकर जो 45 साल से अधिक उम्र वाले हैं उनके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, क्योंकि कोरोना का जो बीमारी है वो काफ़ी जगह फैला हुआ है और उसको ख़त्म करने के लिए टीका एक बहुत ही अच्छा माध्यम है, जिससे हम लोग शरीर को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। अभी तक लोगों के अंदर एक डर भी था कि टीका लेने से बुखार आ सकता है या और कोई समस्या हो सकता है, कई सारे जो वहीं एक तरफ सरकार और प्रशासन कोरोना की रोकथाम को लेकर हजारों प्रयास कर रही है, वहीं कुछ लोग अंधविश्वास के तहत इसे पूजा पाठ से भगाने में लगे हैं। मामला बगहा के रामनगर प्रखंड का है, जहां मेघवाल गांव में लाल मिर्च के हवन से कोरोना को भगाने का दावा किया जा रहा है। फलाहारी बाबा और बजरंग दल के सदस्यों ने मिलकर के लाल मिर्च का हवन पूजन करवाया और इसके माध्यम से वायुमंडल के प्रदूषण मुक्त होने का दावा किया। बता दें कि फलाहारी बाबा ने गांव में 101 हवन कुंड में हवन किया गया, जिसमें ग्रामीणों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हवन में तो यजुर्वेद के मंत्र में वर्णन है कि हवन यहाँ कीजिए या घर पर कीजिए, कहीं कीजिए, उसमें एक तत्व है जो बीमारी बैक्टीरिया को नाश करता है और रक्षक भेस्टेरिया को जो है रक्षा करता है। ये कहीं करेंगे जग हवन संग्रामी, ये वायुमंडल को साफ करते हुए वैसे बैक्टीरिया को मारने की इसमें क्षमता है, इसलिए हमारे मनुष्यों ने इसको पैदा किया। इसका एक ही उद्देश्य है कि कोरोना जो हमारे पूरे विश्व में फैला हुआ है उसको शांति करने के लिए, यानी उसको मुक्त करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ये बीड़ा उठाया हुआ है कि ताकि यह जड़ से मुक्त हो सके, वायुमंडल में जाकर के जो इसका धुआं है वो वायुमंडल में जाएगा और वहां का कीटाणु को, कोरोना कीटाणु को मारेगा और वह समाप्त हो जाएगा, यही लक्ष्य है। स्वाहा, स्वाहा, स्वाहा,
स्वाहा स्वाहा। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से मिर्च के द्वारा हवन किया जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि वायुमंडल के प्रदूषण इससे मुक्त हो जाएंगे, कोरोना के जो संक्रमण है इससे कमी आएगी और वायरस इससे खत्म हो जाएगा। ये तस्वीर बगहा की है जहां हवन किया जा रहा है लाल मिर्च के द्वारा। तो एक तरफ सरकार और प्रशासन कोरोना की रोकथाम को लेकर हजारों प्रयास कर रही है, तो वहीं कुछ लोग अंधविश्वास के तहत इसे पूजा पाठ से भगाने में लगे हुए हैं। वहीं बेगूसराय पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने नक्सल प्रभावित क्षेत्र में से 50,000 के इनामी बदमाश विक्की राय को गिरफ्तार किया है। वहीं गिरफ्तार अपराधी पर हत्या, लूट, रंगदारी सहित कुल 15 संगीन मामले दर्ज हैं। विगत माह में लगातार कुछ दिनों में सिमरिया के इलाकों में, बिंटोली और अन्य इलाकों में लगातार विक्की राय के द्वारा गोलीबारी करके कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। उसमें से एक सिमरिया के मुखिया रामरतन जी हैं, उनके घर पर भी फायरिंग की गई थी जिस पर कांड दर्ज हुआ था, और उसकी गिरफ्तारी के लिए, उसके सहयोगियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष दल का गठन किया गया था। त्वरित कार्रवाई करते हुए उसके घर की कुर्की जब्ती भी की गई थी और उस पर पुलिस मुख्यालय के स्तर से 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था विक्की राय के ऊपर। इसी क्रम में कल दिनांक 3 तारीख को एसटीएफ पटना के द्वारा विक्की राय को लखीसराय के चानन थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। वही कानपुर के पुलिस महकमे में सुधार के लाख दावे किए गए हैं, लेकिन कोई ना कोई पुलिसकर्मी खाकी को बार बार दागदार कर देता है। ताज़ा मामला शहर के फीलखाना थाने का है, जहां चौकी इंचार्ज निशा यादव पर आरोप लगा है कि उन्होंने सपा पार्षद के साथ साठ गांठ करके पीड़ित को डकैती के इल्ज़ाम में जेल भेजने की धमकी देकर जबरन दुकान पर कब्जा कर लिया गया। जबकि पीड़ित हाई कोर्ट का स्टे दिखाता रहा, लेकिन पुलिस ने पीड़ित की एक भी ना सुनी। वहीं इस मामले में पीड़ित राहुल जैन ने बताया कि पत्नी कोरोना पॉजिटिव है और 1 महीने से मधुराज नर्सिंग होम में भर्ती है। राहुल ने पत्नी के भर्ती होने की जानकारी भी दी, उसके बाद भी पुलिस उसे प्रताड़ित करती रही। उन्होंने आश्वस्त किया कि हम जो है जल्दी कार्रवाई करेंगे। उन्होंने इंस्पेक्टर फील खाने के बाद भेजा था, उन्होंने जांच बस ठीक है, एक मिनट में पूरी बात बताया। मामला ये है कि भैया जो हमारा ये मकान है मणिराम बगिया में, ये पुश्तैनी मकान है और इसमें जो है 1 तारीख को निशा यादव दरोगा फील खाना आई और इन्होंने जबरन कब्जा आनंद वर्मा को दिला दिया और मोनू गुप्ता भी साथ में थे, पूरा मोनू गुप्ता सभासद सपा के, और हमने उनसे कहा कि इसमें हाईकोर्ट का स्टे चल रहा है और उन्होंने स्टे को मान नहीं करा हमारा, और उनसे हमने कहा कि बंटवारा सूट भी हमारा पेंडिंग है, उस पर उन्होंने कोई कागज नहीं देखे और शाम को थाने में हमको बुला करके ज़बरदस्ती करीब आधी घंटा वहाँ लमसम 1 घंटा करीब उन्होंने बैठाया और हमसे हमने कहा भी कि मेरी वाइफ मद्रास में एडमिट है और हमको ज़बरदस्ती कहा कि तुमको हम जो है डकैती में जेल भेज देंगे। मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था क्योंकि मेरी वाइफ हमारी मद्रास में थी, तो हमें डर ये लग रहा था कि ऐसा ना हो हमको जेल भेज दें, तो इसमें बहुत घबराए हुए थे वहाँ पर, और कम से कम 25-30 लोग थे। मोनू गुप्ता पूरी टीम लेकर के आए थे, सपा का जो नेता है। इसकी शिकायत हमने DCP साहब को करी है कोतवाली में और CO साहब को भी करी है और उन्होंने SO साहब को फाइल ट्रांसफ़र करी है वहाँ से, और SO साहब इसकी जांच कर रहे हैं। तो चौकी इंचार्ज निशा यादव का आरोप है कि सपा पार्षद से मिलकर दुकान को हड़पा गया है। तो सपा पार्षद के साथ मिलकर दुकान को हड़पने का आरोप लगाया गया है चौकी इंचार्ज निशा यादव के ऊपर। हाईकोर्ट का स्टे दिखाने के बाद भी अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो ये पूरा मामला कानपुर का है जहां चौकी इंचार्ज के ऊपर गंभीर आरोप लगाया गया है। सपा पार्षद से मिलकर दुकान हड़पने का आरोप चौकी इंचार्ज के ऊपर लगाया गया है और हाई कोर्ट का स्टे दिखाने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है।
वहीं बिहार में आए दिन पुलिस और उत्पाद विभाग की ओर से शराब की खेप का भंडाफोड़ किया जाता रहा है। एक बार फिर छपरा में बिहार यूपी के सीमा क्षेत्र मांझी में एक वाहन से शराब जब्त की गई है। वहीं वाहन चेकिंग के दौरान अंधेरे का लाभ उठाकर वाहन चालक फरार होने में सफल रहा। फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है। एक बलेरो आ रहा है, बलेरो गाड़ी आ रहा है उत्तर प्रदेश से, जिसके कुछ विदेशी शराब लगा हुआ है। हम लोगों ने मांझी चेकपोस्ट पे अपना ये जांच लगाया था, उसी में रात करीब 1:30 बजे बलेरो को पकड़ा गया, जिसके करीब 529 बोतल विदेशी शराब का 750 ml का बरामद हुआ है। और अंधेरे का फायदा उठा के चालक फरार हो गया है। उसने वाहन मालिक का ये डिटेल निकाल के और आगे जो भी उस पर कार्रवाई की। कल सोनपुर में भी दो व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। करीब 70 लीटर फॉरन निकल के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं, 40 लीटर देसी शराब के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार किया गया। वहीं फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के शेख सराय गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में नौ विवाहिता का शव पंखे पर लटका हुआ मिला। वहीं बताया जा रहा है कि 6 महीना पहले ही महिला का निकाह हुआ था। वहीं घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। तो 6 महीने पहले ही शादी हुई थी और शादी के बाद आत्महत्या का मामला सामने आ रहा है। फिरोजाबाद के सिरसागंज थाना क्षेत्र के शेख सराय गांव का ये पूरा मामला है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में नौ विवाहिता का शव पंखे से लटका हुआ मिला। हालांकि बताया जा रहा है कि 6 महीने पहले ही महिला का निकाह हुआ था और वहीं घटना की सूचना पर पुलिस पहुँची है और आगे की जाँच पड़ताल पुलिस द्वारा की जा रही है। वहीं रांची के हरमू बाजार में बीती देर रात भीषण आग लग गई। इस आग लगी से कई दुकानें जलकर राख हो गईं, जिसे लेकर रांची मेयर आशा लकड़ा घटनास्थल पहुंची और स्थिति का जायजा लिया। वहीं उन्होंने बताया कि इसे लेकर हेहल सीओ ने उससे उनकी बात हुई है, साथ ही कहा कि बिजली विभाग से बात कर जिन लोगों का नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। हरमू का चौक के पास मंदिर के पास में पूजा का दुकान है और यहाँ मेरा आना जाना हुआ है। कई सभी दुकान वालों को भी हम जानते हैं। 6 दुकान जले हैं बिजली का शॉर्ट सर्किट से और कुछ धुआं आग लगे पड़े हुए थे। किराने दुकान में ऐसा ना हो कि किसी और धुआं और में आग लग जाए। तो हमारा वार्ड पार्षद और बाकी सब लोग अभी यहाँ हम लोग खड़े हुए हैं और आग बुझाने का भी काम किए हैं। दूसरा जो हेहल सीओ है उनसे हमारी बात हुई है और इनका जो शॉर्ट सर्किट के माध्यम से आग लगी है, तो इस दृष्टि से जो मुआवजा होना होगा बिजली विभाग को भेजेंगे और बिजली विभाग से भी हम लोग बात करेंगे ताकि इनको इनका जो जला हुआ है जितना इनका घटा है टूटा है उसका क्षतिपूर्ति हो सके। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए VIP News। नमस्कार।